खबरपालिके सुमेरपुर से हैं, जहां पर उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया को आबकारी इंस्पेक्टर शंभू सिंह राठौड़ ने 4000 मास्क और स्प्रे मशीन सौंपी। राठौड़ ने बताया कि सुमेरपुर में तबलीगी जमात के कोरोना संदिग्ध और लापोद गांव में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सुमेरपुर भी हाई रिस्क में आ सकता है। ऐसे में इस महामारी के रोकथाम को लेकर कई भामाशाह भी आगे आ रहे हैं। वह इलाके में लोगों को जागरूक करने के साथ ही सैनिटाइज का भी छिड़काव किया जा रहा है। इस मौके पर आबकारी स्टाफ के अलावा उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया, तहसीलदार जवाहर राम चौधरी, नगरपालिका सुमेरपुर अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य भी मौजूद रहे। चार हजार मास्क बनवाए हैं, जो स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला और बाजार में भारी किल्लत से जो कोरोना कर्मवीर काम कर रहे हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी काफी सुरक्षा मिलेगी। ये अभी हमने वितरण कर रहे हैं, प्रशासन को सुपुर्द करेंगे, पुलिस थानों में और स्क्रीनिंग टीमें हैं, आइसोलेशन वार्ड में, और जो ये लापोद ग्राम में वापस कोरोना पॉजिटिव पाया गया अभी तो वहां पे ज्यादा मात्रा में वरीयता देकर के वहां वितरित किए जाएंगे।